हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। और गूगल शीट में खास बात क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गूगल शीट मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपको लॉग इन होना है अपने ईमेल आईडी से, और नीचे आपको गूगल शीट मिल जाती है, तो यहाँ से आप लॉग इन हो जाइएगा, या आप सीधा भी सर्च कर सकते हैं तो गूगल शीट आ जाएगी। और फिर यहाँ पे ब्लैंक पेज लेकर के फिर हमें काम करना है। समस्या ये है कि अगर आपका कोई डेटा एक्सेल पर है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, तो ये एक्सेल 2021 मैं ओपन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये ब्लैंक डेटा भी हमने ले लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। अब हमको यहाँ पर जो लिखना है ना, वो लिखना है हिंदी में। अब समस्या क्या है हमारे साथ कि हम अगर हिंदी में लिखते हैं, जैसे यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कृति फॉन्ट कर देता हूँ। कृति फॉन्ट हिंदी लिखने के लिए जनरली यूज होता है। अगर आप कृति फॉन्ट की मदद से यहाँ पे हिंदी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये नाम तो टाइप हो जाएगा हमारा, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगी कि जब इसको मुझे पेस्ट करना होगा, कॉपी करके पेस्ट जब मैं करूंगा इसको गूगल शीट पे, तो वहां पे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अदर इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा जूम कर लिया जाए ताकि क्लियरली चीजें दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। अभी प्रॉब्लम बहुत है, अगर इस फॉर्मेट में आता है तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, गलत हो जाएगा ना। एक्सेल से सीधा हमको कॉपी करके उठाना है, तो एक्सेल पर तो आपने कृति फॉन्ट टाइप कर दिया, लेकिन यहाँ पर कृति फॉन्ट टाइप करने की जरूरत नहीं। आपको एक मैं टूल बताता हूँ, गूगल इनपुट टूल, ये डाउनलोड कर दीजिए आप, ठीक है। ऑफलाइन गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कीजिए और फिर उसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए ये नीचे दिया हुआ है, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। गूगल पे जाके सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और फिर जो भी आप एक्सेल पे लिखेंगे ना, तो वो नॉर्मली जैसे लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम जैसे लिखता हूँ ना, वैसे ही लिखूंगा। और यहाँ ऊपर डिस्प्ले होने लगेगा, देखिए ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, बस आपको ये डबल क्लिक कर देना है, तो ये आ गया। अब जब इसको आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, देखिए ये गए, और यहां से अब इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको जब पेस्ट करिएगा तो ये जैसे के तैसे आ जाएगा। अब ये गूगल शीट है, ठीक है, इसके पहले ये एक्सेल पे थी यही चीज, तो दोनों चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। एक्सेल का गूगल पे, गूगल का एक्सेल पे चला जाएगा। लेकिन यही चीज आप कृति फॉन्ट पे करना चाहेंगे तो आपको यू विल बी लिटिल वरीड अबाउट इट कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ओके।